नमस्कार, मैं मीरा जाटो खबर लहरिया से। आइए आज 26 जून की दिन भर की मुख्य खबरें सुनते हैं। महोबा जिला में बिना निर्देश के चल रही 7 क्रेशर मशीनों को प्रदूषण बोर्ड ने किया सीज। कई सालों से बिना NOC संचालित की ये क्रेशर, इस बात को लेकर क्रेशर मंडी में मचा हड़कंप। बांदा जिला में प्रसव पीड़ा से करा रही महिला को अस्पताल प्रशासन पैसों की मांग करता रहा। पैसा न देने पर 3 दिन तक चक्कर लगवाते रहे। महिला का बच्चा तो हो गया, पर बच्चे की हालत खराब हो गई, जिसे इलाहाबाद भेजा गया। चित्रकूट जिला में खनन माफियों की लाखों की कमाई पर फिरा पानी। बारिश की वजह से नहीं कर पा रहे बालू का उठान। बनारस जिला में लंका थान के भगवानपुर स्थित एक अपार्टमेंट में देर रात गोली मारी। पुलिस ने एक को पकड़ लिया है और दूसरे से पूछताछ जारी है। चित्रकूट जिला के पहाड़ी क्षेत्र ग्रौणा गांव के गर्भवती महिला ममता को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां ममता ने एक बच्चे को जन्म दिया। पर जैसे ही बच्चे को टीका लगाया गया, बच्चे की हालत बिगड़ती गई और कुछ ही देर में बच्चा खत्म भी हो गया। बिहार में इन दिनों घट रही CIC घटनाएं बता रही है कि भाजपा और जदयू के बीच 2013 के पहले जैसा तालमेल था, वैसा अब नहीं रहा। और इस बार भाजपा जदयू गठबंधन की उम्र भी बहुत लंबी नहीं रहने वाली है। गूगल ने आज जानी मानी गायिका और नेत्यांगना गौहर जान को उनकी 145वीं जयंती पर डूडल के जरिए श्रद्धांजलि दी है। गौहर जान देश के उन पहले कलाकारों में से एक थी जिनके गानों की रिकॉर्डिंग हुई। उनका पहला गाना ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया द्वारा रिलीज किया गया था। गौहर जान को रिकॉर्डिंग सुपरस्टार के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में बिजली गिरने की वजह से 5 और नदी में डूबने से 1 की मौत हो गई। वहीं मुंबई में भी भारी बारिश की वजह से 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मौसम विभाग ने गुजरात और महाराष्ट्र के अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कोलकाता में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उनके गृह राज्य में संगठन में शामिल होने का अनुरोध करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। पंजाब नेशनल बैंक इन दिनों अपने यहाँ हुए अरबों रुपए के घोटाले की जांच कर रहा है। इनमें नीरव मोदी, मेहुल चौकसी के मामले भी शामिल हैं। ये रही आज दिन भर की मुख्य खबरें। कल की मुख्य खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के